स्वामी मधु परमहंस जी, जिनका अद्भुत नाम लेते ही मन मधुबन बन जाता है, जिनकी वाणी सुनते ही हृदय पुलकित हो उठता है, ध्यान लगते ही आत्मा आलोकित हो परमात्मा के दर्शन करने लगती है, ऐसे श्री सतगुरु की महिमा का वर्णन कहाँ तक करें जो अनंत हैं। धर्मदास जी साहब से एक सवाल पूछ रहे हैं, ये मुक्ति कैसी जब आत्मा बंधन में नहीं है? आप एक तरफ कह रहे हैं ना कोई बंधा नहीं कोई मुक्ता, नहीं कोई बंधा नहीं कोई छूटा संशय के बस सब जग लूटा, तुम्हारी दया से हम जान पाया मुक्ति अमुक्ति दो ही भरमावा। अब साहब कितना गहरा क्वेश्चन है। साहब कह रहे हैं अब तुम्हारे जीव निश्चय आई, अब हम जाना तुम सीखो भाई निज मंत्र है, जानो धर्मदासा अब कुछ बूझ सत्य बिलासा, जो कहिए सो वचन बिलासा, यह तो साखी पद प्रकाशा, ग्रंथ कहूँ यह जग प्रमोदा, जो बूझे सो पावे सोदा। बोला मैं ये बात बोल रहा हूँ, जो इसको समझ जाएगा वो संसार को समझ जाएगा। दोखा योग यज्ञ तप कीना, बोला योग यज्ञ तप आदि दोखा है, धोखा धोखा दान पुण्य सब लीना, धोखा कर्म करे संसारा, धोखा कोटन ज्ञान पसारा। बोला ये धोखा ही धोखा है। आप धोखा अच्छी तरह समझते हैं, किसी से छल करना, किसी को ठगना या कुछ कह के ले जाना फिर देना नहीं, धोखा धोखा प्राण सकल जहाना, धोखा शास्त्र वेद मत ठाना। हाँ कह रहे ये सब धोखा है। आप कहेंगे कबीर साहब शास्त्रों के निंदक थे, अब ये सब धोखा क्यों सुशील कुमार सिंह? हाँ हाँ ये तो ठीक है, थोड़ा और बारीकी में जाइए, ये तो सही कहा, इससे आत्मकल्याण नहीं होगा और बारीकी से, क्योंकि निरंजन ने जीव को उलझाने के लिए वेद पुराण का सृजन किया है, उसी रीत वेद मते या जगत बुलाना उसी पर तो चल रहा है ना, अभी उसी पर चल रहा है ना, और कहानी एक ही है। हमारे धर्म का आधार क्या है? वेद, वेद ब्रह्मा ने सुने। इस्लाम का आधार क्या है? कुरान शरीफ, मोहम्मद साहब ने सुना। कहानी एक नहीं हुई, नाभि में वायु का देवता है, वायु है, वायु क्या कर रही है पूरी बॉडी में? वो धनंजय वायु फैला रही है, समान वायु फैला रही है, नहीं तो आपके हाथ पांव नहीं चल पाएंगे। मुख में अग्नि तत्व है, पूरे शरीर में हीट बनाकर रखा हुआ है, नहीं तो आपका ब्लड ही सर्कुलेट नहीं हो पाएगा, जम जाएगा। वो वहाँ से ये कर रहा है। और सहस्त्र सार में आकाश तत्व है, वो तीन गुणों की उत्पत्ति करता है, रजस्तम सत शून्य, इसलिए वो काम कर रहा है। अब यहाँ मैं घमंड से, किसी साइंटिस्ट के पास ये नॉलेज है क्या? लेकिन वो एक गठड़ी अहंकार की कंधे पर रखकर घूम रहा है डिग्री की, ठीक है, नथिंग एल्स, अंधा अगुआ तेह पुरमाई बहु अंधा तेह पीछे जाई, शून्य महल में घोर अंधेरा। अब साहब बोल रहे हैं ना, इसी महाशून्य को क्या कह रहे हैं? महाशून्य सिंधु विश्मी घाटी। इसलिए सतलोक जाने के लिए वो ब्लैक होल सबसे बड़ी रुकावट है, उसी में निरंजन है, जो गया उसको बुला देगा, सब डिसल्यूट कर देगा। अभी जो कह रहा है कमाई से पहुंचे हम नहीं मानेंगे। अब इस ब्लैक होल के लिए कबीर साहब क्या कह रहे हैं? इतना घोर अंधकार है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, आपने अंधेरा देखा नहीं है दुनिया में, अंधेरे का प्रभाव आप नहीं जानते, अंधकार अज्ञान का द्योतक है, अंधकार से पहले अज्ञान उत्पन्न होता है। अज्ञान का मतलब समझ ही नहीं आता क्या है, अज्ञान से संशय। अभी मैं खंभा देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, अब अंधेरा हो जाए तो मुझे भय रहेगा भाई, सामने कुछ टक्कर तो नहीं आ जाएगा, भय संशय आ गई कि नहीं, संशय से फिर भय उत्पन्न होता है और भय से दुख,
अब आंख बंद करके जाओगे तो भय नहीं लगेगा, सामने पता नहीं क्या टकरा जाए, शंका ही नहीं होगी। अंधकार से अज्ञान उत्पन्न होता है, अज्ञान से संशय, संशय से यानी भ्रम, और उससे फिर भय, भय से कष्ट। इसलिए पूरी दुनिया अंधकार में है, इसलिए दुख है यहाँ। मैं आपको अंधेरे का दोनों एग्जाम्पल दूंगा, भौतिक भी आध्यात्मिक भी। भोपाल में एक ताजमहल है, नवाबों का किला। जब नवाबी राज खत्म हो गया तो उसमें गरीबों को बसाया गया, बहुत बड़ा है, 12 एकड़ में, उसमें कई रूम है, बहुत ऊंचा है, कई तलघर हैं। कहते हैं वहाँ से 38 किलोमीटर दूर एक रायसेन का किला है, वहाँ तक अंदर से रास्ता जाता है। उस तलघर में जो तलघर का पहला सोपान था उसमें रोशनी है, जो ऊपर मैदान भी है, फिर 4 मंजिल भी है, पूरी आर्मी रहती थी उनकी, नवाब की, और नीचे फिर तलघर है। तो कुछ तो तलघर में भी दिया, जैसे ये यहाँ रोशनी है ना, इसके अंदर फिर थोड़ा अंधेरा और अंधेरा हुआ तो अंधकार बढ़ता ही जाएगा ना। ये 38 किलोमीटर तक अंधकार है, इसलिए वहाँ कहना है जो इसमें गया वापस नहीं आता कभी। मैंने कहा मैं जाऊँगा, वापस भी आऊँगा। बुआ ने कहा भैया नहीं जाना है, और गवर्नमेंट ने बैन भी लगाया था उधर नहीं जाना। वो जैसे बिजली के खंभे पर नहीं, वो मौत कॉशन 11,000 वोल्टेज। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस, कहा मैं जाऊँगा। बुआ ने कहा नहीं जाना, मैं कहा बुआ चिंता नहीं करो मैं जाऊँगा। बोला कोई वापस नहीं आया इसमें से कभी, इसलिए बैन है। मैं घुसा, मैं क्या किया, अंदर घुसा, एक टेक्निक अपनाई, दीवार को हाथ देता देता गया, टार्च हाथ में थी, फिर आगे खाली लगा, कदम भी मैं सोच कर रख रहा था कि कहीं कुआं पुआं तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं। फिर वो बाईं तरफ मुड़ा, मैं रास्ता फिर बाईं तरफ गया, एक एक पैर संभाल कर रख रहा था कि गिर नहीं जाऊं कहीं। इस तरह मैं करीब करीब 100 गज अंदर गया। अभी क्या होने लगा, मेरा सर घूमने लगा। अब सर क्यों घूमने लगा, अंधकार का इतना ज़बरदस्त इफेक्ट था। जब घोर अंधकार में हो जाओगे ना तो आपका सर घूमेगा, ठीक है। अब मैं समझ गया लोग वापस क्यों नहीं आते, अंधेरे के प्रभाव के कारण से ब्रेन काम करना बंद कर देता है। आप अपने कमरे में जब है ना, तभी भी थोड़ी रोशनी है, कहीं ना कहीं से थोड़ी रोशनी आ रही है, आपने अंधेरा देखा ही नहीं, तो आपका ब्रेन काम कर रहा है। और ब्रेन का आधार क्या है, ब्रेन किस सिस्टम से काम कर रहा है, दिमाग के काम करने का सिस्टम इंद्रियां हैं, वो इनके बेस पर काम कर रहा है नहीं। और अंधकार में इंद्रियां काम नहीं कर पाती है। अब मैंने टार्च जलाई, जब टार्च जलाई तो मेरी टार्च सिर्फ 2 फीट तक ही रोशनी दिख रही थी, आगे नहीं, यानी टार्च की रोशनी 1 पैसा भी काम नहीं कर रही थी। आप ऊपर छत पर लाइट मारो ऊपर आसमान की तरफ तो कितनी दूर तक दिखती है, नॉट मोर देन 20 मीटर, 20 मीटर के बाद नहीं दिखेगी, और आपको लाइट दिखेगी 20 मीटर तक। ऐसा क्यों था, क्या था, जो लाइट में अंधकार को भेदने का पावर था वो कम हो जाता है, आगे एक्सप्लॉइट नहीं हो पाता है, अंधेरा उसको वहीं रोक देता है। सिर्फ वो उतनी देर लाइट अपना फोकस कितनी दूर तक डाला, जितनी दूर तक उसकी क्षमता थी, आगे नहीं डाल पाती थी, सही है ना भैया। इस तरह वहाँ 2 फीट तक ही सिर्फ वो 2 फीट पर भी सिर्फ क्या दिख रहा था, वहाँ भी ऐसा ही लग रहा था अंधेरा ही अंधेरा है, सिर्फ 2 फीट। मैं कहा लौट चलो, अब दिमाग काम नहीं कर रहा था, पर मैं तो सुरती में था, वहाँ दिमाग की ज़रूरत ही नहीं है। वापस कैसे आया, उसी तरीके से आया जहाँ से हाथ हाथ लेके आया। मैं पीछे मुड़ा,
इवन वहाँ ये नहीं पता चलता है कहाँ से आया, कहाँ जाना है, क्या करना है, यानी ब्रेन बिल्कुल भी वर्क नहीं करता है, ठीक है। इस तरह महाशून्य में जब आत्मा अगर योगी जाए भी, महाशून्य में नहीं प्रवेश लेगा, वहाँ वो इसी तरह डिस्ल्यूट हो जाएगा। जैसे कैसे होगा वो बताऊंगा मैं। इसलिए मैं और साहब ऐसे जा रहे थे, बड़ी लंबी यात्रा की। बाद में उस महाशून्य के पॉइंट पर मुझे अपने में ऐसे प्रविष्ट कर लिया, चलने लगे, पर ट्रांसप्लांट था ऐसे। मैंने आगे जाकर मुझे फिर निकाला अपने से, मैंने प्रश्न पूछा, सुनना, कि हम और आप दोनों साथ चल रहे थे, कैसे चल रहे थे मैं समझाऊंगा, आप फिर मेरा कॉन्फिडेंस देखना ना, आप मेरी बात में कॉन्फिडेंस देख रहे हैं कि नहीं। मेरे अलावा जो भी होगा उसको ये डिस्ल्यूट कर देगा, भ्रमित कर देगा, सिर्फ मुझे नहीं करता। तो कोई कहे कमाई से मैं पार हुआ, मैं मानूंगा, तते तवे पर खड़े होकर बोले मैं मानूंगा, इसलिए मैं कमाई को नहीं मानता। अदा कर खुद खजाने से छुड़ा ले अपने बंदे को, यहाँ तक कि प्रकाश भी नहीं। इसके अंग्रेजी नाम का हिंदी में अनुवाद करें तो यह काला छिद्र होगा, मगर यह वास्तव में कोई छिद्र यहाँ छेद नहीं है, यह तत्वों का घना मिश्रण माना जाता है, पार्टिकल्स का मिक्सर, घना। तभी तो साहब कह रहे हैं, जो रक्षक तही ना ही चीने, जो भक्षक सेवे नरताई, जो भक्षक है उसको सब पूजा कर रहे हैं। गुरु भक्ति का महात्म क्यों इतना? अब देखो मैं इंग्लैंड पहुंच गया। इंग्लैंड कैसे पहुंच गया? वो सुमित और प्रीतम सिंह नाम ले, उन्होंने वहाँ बड़ी भागा दौड़ी की, मुझे वीज़ा दिलाया, मुझे टिकट भेजा, मैं वहाँ गया, कुछ लोगों को जोड़ा, ये भक्ति, किसी कार्य में सहयोग दिया, ये भक्ति नहीं है। अच्छा, गुरु की सेवा, गोविंद की सेवा क्यों कही गई है? गुरु आप और शिष्य पन आप ही, यानी साहब गुरु के अंदर स्थिर होकर के बात करता है और शिष्य के अंदर चेतना के रूप में अनुकरण की ताकत पैदा करता है। तो इसलिए साहब कह रहे, गुरु आप शिष्य पन आप ही आपका खेल सारा, ये साहब बोल रहे हैं। जिनके हृदय निश्चय नाई तो सब ही निगुरे नर आई, नाम लेने के बाद भी निश्चय नहीं है तो निगुरा समझना। देखो कितनी बड़ी बात साहब बोल रहे हैं, गुरु विश्वास की डाल पर है। इसलिए नाम देने के टाइम एक सवाल पूछता हूं, भरोसा है? जब आपकी हामी आती है तब आगे बढ़ता हूं, नहीं तो आगे नहीं बढ़ता हूं मैं। अगर निश्चय नहीं, खुद से भी धोखा कर रहा है, गुरु से भी कर रहा है, फिर पहला बड़ा धोखा अपने से कर रहा है। धुंधते भयो सकल संसारा, धुंधे तार सुड़ावन हारा। वाह, नार पुरुष ने धुंध मचाया, तासे भई पुरुष की काया। इसलिए धुंध से ही दुनिया है। जब रति क्रिया या संभोग मैथुन सृष्टि है, जब स्त्री पुरुष दोनों धुंध मचाते हैं, सेक्स में दोनों एक ही हो जाते हैं, दोनों एक्टिव होते हैं, कह रहे हैं धुंध हुई है, वो भी नहीं हुई धुंध, तासे बनी पुरुष की काया, धुंध से ही ये दुनिया बनी है, धुंध से। धुंध ही आए छुड़ावन हारा, पहली बात तो ये थी, जिसने नहीं सुना नहीं बता पाएगा। धुंध से भयो संसारा, धुंध ही से आए छुड़ावन हारा। यार बड़ी अजीब बात बोल रहे हैं, बोला धुंध से ही छूटेगा ये, धुंध से ही। अब धुंध क्या है? छुड़ावन हारा, आप नहीं पहुंचेंगे। ये फैसला करना गुरुजी छुड़ाएगा नहीं छुड़ाएगा, परमात्मा है या नहीं है, इस धुंध में आपको पहले मथापच्ची करनी पड़ेगी। जब निश्चय कर लोगे तब काम बनेगा, यानी पहले कोई भी हो, इसमें जो भी नाम लिया, पहले धुंध मची है, ये पार करेंगे नहीं करेंगे, क्या है फलाना, कई दिन आपके अंदर ये धुंध रही,
इसलिए साहब क्या कितना टेक्निकल है साहब, आगे वो बोल भी रहे हैं, पुरुष नार को भयो जो मेला ताते जग को पसरा सेला, वाह आगे उत्तर दे रहे हैं, ठीक है, पुरुष नार को भयो जब मेला ताते जग को पसरो खेला, इसी से दुनिया का खेल स्टार्ट है। एक वो कितने यूनिक है, वो कभी भी अगर कंसीव कर लिया, कुतिया है, बकरी है, हथनी है, कोई भी जीव है, फिर नर उसके पास नहीं जाता। देखा उन्होंने ये स्वीकार किया, सेक्स इज ओनली फॉर जनरेशन नॉट फॉर एंजॉय, इसको फॉलो कर रहे हैं। इंसान मारे एक डॉक्टर से, किसी ने न्यूज़पेपर में मैं पढ़ा, राय ली कि मेरी पत्नी गर्भिणी है, क्या मैं उसे सहवास कर सकता हूँ, डॉक्टर नालायक कूद क्या लिखा, हाँ उसमें थोड़ी सावधानी बरतो, पोजीशन पोजीशन, ऐसे ऐसे सवाल था इंडिया टुडे जैसी पत्रिका में डॉक्टरों के चैप्टर में। मैं मत्था पीटने लगा कि ये डॉक्टर, जिस समय बालक माँ के गर्भ में होता है उल्टे मुँह होता है, संभोग क्रिया करने से आपको बता दो क्या होता है, वही द्वार नारी जब उत्तेजना में आती है तो जिस द्वार से बाल, एक तो यूट्रस है, जिस द्वार से बालक निकलता है वो ओपन हो जाता है, वो डीप है बहुत, समझे क्या, ये तो बायो में भी आ रहा है, वो डीप होता है। तो जब आपने अगर उसके बाद मैथुन क्रिया करोगे, बीज आपका पिचकारी की तरह निकलेगा, सीधा बच्चे के मुंह में जाएगा, इसलिए बच्चा विकलांग और अन्य चीजें होगी। उसने तो क्या लिखा, जन्म लेने तक भी कर सकते हो। मैं कहा ऐसे डॉक्टर, ये क्या शिक्षा दे रहे हैं दुनिया को, फिर इसको कभी एंजॉय मत समझना, एंजॉय नारी के समर्पण और प्रेम में है, इसमें नहीं है। इसलिए पता है अंग्रेजी में बड़ी प्यारी कहावत है, मैन गिव लिव फॉर सेक्स, फीमेल गिव सेक्स फॉर लव। आदमी सिर्फ औरत को सेक्स करने के लिए प्यार करता है बस, पर औरत क्या चाहती है, प्रेम। वो जानती है जब मैं सेक्स दे दूंगी तभी प्रेम करेगा, उसकी ये धारणा खत्म कर दो, ठीक है, उसे कहो वैसे ही प्रेम हो, ये है सोशल लाइफ, ठीक है। इसलिए हमारे पूर्वज इसको फॉलो करते थे, सभी जीव प्रकृति का है, नेचुरल है, सिर्फ इंसान प्रकृति और ईश्वरीय धर्म को पास अवे करता है एक इंसान। इसलिए साहब का नर पर नहीं पड़ती हमारी, ये नर अधम और नीच है, कबीर साहब वाणी में बोल के गए, जितने भी इलीगल दुनिया में काम है अभी भी जानवर अपनी अपनी स्थिति पर है, शेर कोई खूंखार नहीं है, पेट भरा है ना, कुछ नहीं बोलता है, ये आदमी पेट खाली है पर भगता है, ये मारे चाहे जन्म भर के खाने का भी है ना, उसके बाद भी ठगी करता है, दो दिन की बात छोड़ो, जीव कितने यूनिक है, नेचुरल, न कोई उन्होंने बर्तन है, न कोई भांडे है, न क्या, नेचुरल लाइफ जीते है। इसी पर साहब ने अपरिग्रहण का, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब सवाय, मैं इसी अपिग्रहण में जीता हूँ, कुछ भी नहीं है तब भी चल पड़ता हूँ, क्या सोचता हूँ 72 घंटे तक भोजन नहीं मिला तो भी तो चलेगा, क्या है नहीं मिला नाश्ता, नहीं मिला भोजन, कभी कभी मैं गाड़ी में बैठ जाता हूँ, वो मुझे नाश्ता दूध नहीं देते हैं, ड्राइवर को कहता है बड़ा, वो कहते हैं अभी लाते, मैं बोला टाइम नहीं है, फिर पीछे वो मोटरसाइकिल लेकर पीछे पीछे आते हैं, फाटक पर इधर दें उधर दें, मैं कहा एक दिन नाश्ता शाम का नहीं किया मेरा क्या घटेगा, रोज कैसा करना, जब तुम रेडी नहीं तो मैं चल पड़ा। ये हमारे साथ पीढ़ी का धन है, तभी भी ठगियां कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, बाकी जीव ऐसे नहीं कर रहे, नेचुरल, इनसे बहुत कुछ सीख सकते हो, इनको प्यार तो करके देखो। यहाँ गिटार ही रहती थी, पता है मैं जाता था पैर के पास भी, वो मैं फेंकता था, वो चूकती थी फिर मुझे देखती थी, वो जानती थी ये कुछ नहीं कर रहा, नहीं भग रही थी, मेरे कमरे में चूहे रहते थे, मैं उठ के घूमता फिरता था तभी भी वो खेलते थे, दूसरा आया भग जाते थे, क्यों, उनको ये पता हो गया ये नहीं मार रहा है,